सरहदी बाड़मेर जिले में हाल ही में लॉन्च हुई नवो बाड़मेर अभियान का असर अब धीरे धीरे शहर भर में देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देश अनुसार नवो बाड़मेर अभियान को सफल बनाने के लिए लोग नियमों की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां शहर की हर दुकान के आगे डस्टबिन लगा हुआ नजर आ रहा है, तो अब ये अभियान मुख्य मार्गों से निकलकर शहर की तंग गलियों तक पहुंच गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जहां भामाशाह और नगर परिषद के कर्मचारी डोर टू डोर सफाई कर स्थान को साफ कर रहे हैं, तो वहीं आमजन भी अपने आसपास के स्थान को साफ रखकर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। सरहदी बाड़मेर जिले में हाल ही में लॉन्च हुई नवो बाड़मेर अभियान का असर अब धीरे धीरे शहर में देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशानुसार नवो बाड़मेर अभियान को सफल बनाने के लिए लोग नियमों की पालना करते नजर आ रहे हैं। जहां शहर के हर दुकान के आगे डस्टबिन लगा हुए नजर आ रहे हैं, तो अब यह अभियान मुख्य मार्गों से निकलकर शहर की तंग गलियों तक पहुंच गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जहां भामाशाह व नगर परिषद के कर्मचारी डोर टू डोर सफाई कर स्थान को साफ कर रहे हैं, वहीं आमजन भी अपने आसपास के स्थान को साफ रखकर इस अभियान को सफल बना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर पहले कई जिला कलेक्टर आए, लेकिन ऐसी पहल किसी ने नहीं की। इस पहल के बाद यह अभियान सफल होता नजर आ रहा है और लोग भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए नियमों की पालना करते रहे हैं। वहीं विद्यालय व कॉलेज के छात्र भी इस सफे अभियान में बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। वहीं जो नियमों की पालना नहीं कर रहे उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, जिससे लोग चालान के भय से नियमों की पालना कर रहे हैं। इस तरह का भय लोगों में होना चाहिए ताकि लोग अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें, साथ ही इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें। प्रतिदिन प्रशासन द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए सफाई की जा रही है, तो कई भामाशाह व आमजन भी अपने अपने स्तर पर सफाई कर रहे हैं।